दोस्तों समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालें। यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको 6 सेंटीमीटर ले लिया, इसको 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोस्तों इसको आप है जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके भी निकाल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों जनरल फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उससे भी है जो आप निकाल सकते हैं। अब आपको देखिए मैं पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इससे भी बात कर लें, या हेरोंस के सूत्र के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं पहले हेरोंस के सूत्र के द्वारा निकालता हूँ, उसके बाद इसका जो जनरल फॉर्मूला उससे, उसके बाद इससे, यानी तीन तरीके से निकालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, एरिया ऑफ, या चलिए डायरेक्ट इतना लिख देता हूँ, फॉर्मूला, फॉर्मूला आप क्या रहता है, √ SS-A S-B S-C। तो यहाँ पे S बराबर क्या रहता है, A+B+C/2, यहाँ पे इन सब का सम √2 कितना 9 आ गया। ओके, तो ये आ गया आपका 9 9-6 9-6, क्योंकि आपके देखो A की भी लेंथ कितनी है 6, B की भी लेंथ कितनी है 6, और C की भी लेंथ कितनी है 6, 9-6। तो यहाँ पे देखिए 9 का √ कितना होता है, 3 होता है। यहाँ से आपके पास क्या आया, 3 आया, यहाँ से भी आपके पास 3 आया, यहाँ से भी आपके पास 3 आया, 3 × 3, 3 का स्क्वायर का √ कितना 3, और ये आपका √3 आ गया, यानी 9√3, और ये सब सेंटीमीटर में दे रखा दिया, किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए डायरेक्ट इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड, इसमें √3/4 और साथ में a² यानी a की जगह कितना दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड कितना 4 आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यदि इस फॉर्मूले के आधार पर बात करें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट किसके द्वारा आएगा दोस्तों, आपका पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर की आधी यानी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आधार आपका देखो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई आएगी दोस्तों आपका √, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय किसका 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यहाँ से ये कितना आ गया 3 आ गया, 36 - 9 कितना आ गया दोस्तों 27, और 27 का मतलब क्या है आपका √, 27 का मतलब है 3√3 यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हमने अपने तीन तरीके देखे, जिसमें से आपका जो अच्छा लगे उससे जो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता करें। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करें, मैं हूं सुरेंद्र क्लियर, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।